मोदी तेरे जानिसार, बेशुमार बेशुमार, 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 कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, कांग्रेस हाय हाय, किस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, जनी सिंह हाय हाय, जनी सिंह हाय हाय, जनी सिंह हाय हाय, ये किसका जनाजा है? मकसद ये था कि 5 तारीख को हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब पंजाब आ रहे थे, उसका काफिला जो रोका गया उसी के मैं आज हम यहाँ मतलब एजाज हमने किया, जब तक के मतलब इसको वहाँ गवर्नर राज पंजाब में नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। बाकी कांग्रेस वालों को सज़ा मिलना चाहिए कि ये देश का वजीर आजम है, ये मतलब बीजेपी का नहीं है, पूरे देश का है। इसलिए मतलब इस वक्त पूरा देश इस पर मतलब फकर है कि यहाँ हम सब निकल जाते हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, और मतलब इनको मतलब सज़ा मिलना चाहिए, जो वहाँ का वजीर आला है उसको भी सज़ा मिलना चाहिए, फिर हम बैठेंगे, तब तक हम नहीं बैठेंगे। होता है अगर आपको मालूम होगा, या मेरे ख्याल में आप जैसे लोगों को मालूम नहीं होगा, ये जब वजीर आजम हिंद का दौरा होता है किसी स्टेट में 40 रूट तय होते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर वहाँ से नहीं जा सकते हैं और किसी जगह से जा सकते हैं, और उस रोड को पहले ही 4 घंटे पहले सैनिटाइज़र किया जाता है कि रोड ठीक है या नहीं है। ये अपने उस जो उसने चाल की थी उस पर आप पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। हम मरकज़ी हुकूमत से मांग करते हैं कि वहाँ पे गवर्नर राज हो और वहाँ के हुकूमत डिसॉल्व की जाए, और जो पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का हाथ मिला हुआ है इनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी हर ज़िले में इनके खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और एहतजाज करेगी।